के जो नौजवानों को जो उस दिन वहाँ पर स्पॉट पे नहीं थे, वैसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी के लिए वो अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट जो कर रही थी पुलिस, उसको रुकाने के लिए हम लोग गुलबर्गा पे पुलिस को इंटीमेशन देकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो तमाम जितने लोग वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं उनके पूरों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। ये पुलिस की बदमाशी, ये पुलिस आरएसएस की बात सुनकर, ये पुलिस जो यहां पर कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है वो हुकूमत की बात बात सुनकर चार चार एक्ट डालकर हमें एफआईआर हमारे ऊपर बुक करती है। सेक्शन 143, सेक्शन 147, सेक्शन 149, सेक्शन 283 के एक्ट डालकर हमें पुलिस हमारे ऊपर एफआईआर करती है, ताकि आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो तो ये लोग प्रोटेस्ट ना कर सके। अगर ये पुलिस हमारे ऊपर अगर एफआईआर करके अगर ये समझ रही है कि हम आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो ये मैं पुलिस को कहना चाह रहा हूं कि ये गलत बात है। आप ये जो केसेस बुक किए हैं, ये केसेस उन लोगों के ऊपर बुक होना चाहिए था जो अलन में एक मॉब की शक्ल में लेकर दरगाह के अंदर घुसने की तरह, दरगाह के अंदर जाकर इलीगल पूजा करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर होना था। लेकिन वैसे वैसे लोगों के ऊपर जो मिनिस्टर था, सेंट्रल मिनिस्टर, जो वहां का एमएलए थे, जो वहां के एमपी थे, उनके ऊपर सेक्शन 188 के तहत उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है। सेक्शन 188 क्या है बोलिए? सेक्शन 188, वो हाई कोर्ट में जाएगा तो कैश हो जाएगा, अगर इधर कोर्ट में अगर केस चलेगा तो भी एक बार उसकी पेशी होगी और ₹200 फाइन होगी, ₹200 फाइन में वो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम पुलिस की परमिशन के साथ एक प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे 50 नौजवानों के ऊपर चार चार एक्ट डालकर गुलबर्गा पुलिस हमें केस में दर्ज करती है। तो मैं पुलिस को यह कहना चाह रहा हूं कि जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। आप बीच में रह के काम करिए, वहां पर जो गलत काम करे हैं उनको अरेस्ट करिए, हम नहीं अब उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इधर से जो पहले शुरू जो गलती जहां से पहले शुरू हुई, और मैं पुलिस को यह कहना चाह रहा हूं जो इलीगल 500 हजार 2000 लोगों का मॉब लेकर जो दरगाह के अंदर घुसना चाह रहे थे, वो लोगों के लिए आप टेंट मारकर, वो लोगों के लिए वहां पर कुर्सियां रखकर उनको बिठाने का आप इंतजाम किए थे, वहीं अगर हमारे लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी दरगाह की सेफ्टी के लिए वो लोग अपना अपन अगर खामोशी की तरह से वहां पर ठहरते हैं, तो वैसे नौजवानों के लिए, वैसे नौजवानों के ऊपर, वैसे औरतों के ऊपर आपने केस दर्ज किया है। खैर, उसका हम जवाब तो हम कोर्ट में देंगे, लेकिन यहां पर जो पीसफुल तरीके से जो प्रोटेस्ट किए हैं उनके ऊपर भी आप केस दर्ज करे हैं, आपको इसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। इसका हम आपको कोर्ट में लाकर इसका जवाब जज के सामने पूछेंगे। इसी के साथ मैं एक शेर कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं। कहने वाले शायर, शायर ने भी क्या खूब कहा है, हम आहा भी कर दे तो हो जाते हैं बदलाम, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदलाम, वो कत्ल भी करते तो उनके चर्चे नहीं होते।